राजस्थान के खिलाफ जीती हुई मैच हारने के बाद श्रेयस अय्यर पर भड़क गए गौतम गंभीर। जी आज केकेआर और आरआर के मुकाबले में केकेआर की टीम बड़ी आसानी से इस मैच को जीत रही थी, जब 121 पर आरआर ने अपने 6 विकेट गवा दिए थे। सबको यही लगा कि केकेआर बड़े आराम से जीत जाएगी, लेकिन केकेआर को ये नहीं पता था कि अब कुछ ही देर में बटलर का तूफान आने वाला है। बटलर ने मैच को ऐसे पलट दिया कि आरआर को आखिर ओवर में जीत के लिए सिर्फ 9 रन ही चाहिए थे। मैच अभी केकेआर जीत सकती थी, लेकिन यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने गलती कर दी, जहाँ उन्होंने आखिरी ओवर पेस बॉलर को देने के बजाय स्पिनर को दे दिया। जब अय्यर ने वरुण चक्रवर्ती को गेंद दी, तभी गौतम गंभीर काफी हैरान दिखे थे। वो इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और फिर क्या, ये फैसला गलत भी साबित हो गया और केकेआर की टीम ये मैच हार गई। जिसके बाद दोस्तों जैसे ही मैच खत्म हुआ, गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर पर भड़क गए थे। सबके सामने वो अय्यर को खरी खोटी सुनाने लग गए। दोनों के बीच काफी देर तक बहस हो रही थी। गौतम गंभीर अय्यर की कप्तानी से बेहद ही निराश थे। दोस्तों आपकी राय में केकेआर का ये मैच हारने का कारण क्या था, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।